वंदना कुमारी जी। इस मंच पर विराजमान सुरेश शास्त्री जी के चरणों में मैं शत-शत नमन करनी हूं और इनका बड़ा ही धन्यवाद करनी हूं, जेड़े साढ़े लडोर के वासी कन्ने इन्ना प्यार करते हैं और सानू इन्ना अपना कीमती समय देंदे ने। और इंदे कन्ने पहले तो मैं अपने लडोर के लोगों की बड़ी मुबारक दिनी हूं और सब तो ज्यादा मुबारक उन्हें भी है जिन्हें सत दिन तन मन धन कन्ने सेवा की है। और इस कमेटी तय तो सारे अगे निवेदन है, पहले जोरदार तारियां करने का शुक्रिया अदा किया गया। और ओदे कन्ने कन्ने आए दे जिन्ने भी सारे आस पास दे ग्रां दे लोग ने, दूरा दे भी संगत आई दी है, तुंदा ही बड़ा शुक्रिया दा कि जिन्ने सारे लडोर ग्रां च आई है साड़ा भी मान बधाया है। मैं तुंदे कन्ने सिर्फ दो चार निक्की निक्की गल्लां करगी। पहले जिंदे ग्राएं च सत्ता नहीं होंदे ते ओह भी शुरू कराओ। शास्त्री जी इन्ना अच्छा लगता है कि जोलै सतवाह की तैयारी होंदी है हर एक घर में टेंशन, आंटी की बखरी, अंकल की बखरी, दादी बखरी, जेड़े मुड़े नौकरी जा रहे उन्हें ही बखरी, और शामी बैठना कमेटियां करनिया, लंगर पुथुआ, इस सब तुंदी देन है, इस सब तुंदा प्यार है कि साढ़े लोगों बिच भी इन्ना प्यार आया कि अज लटोर दी सारा मुल्क जानता है। शास्त्री जी जुथे जुथे अपना सतवाह करते हैं, लडोर ग्रां का जरूर ना लेंदे ने, तो सोचो ओला सारा किन्ना मान बढ़ता है। देखो भैनो अस सत्संग सतवाह च बहुत ही ज्यादा जन्ने और इन्ने मेरे भ्रा नहीं होंगे उठे जिन्नी अस मातृ शक्ति बैठी दी होनी है। मैं तुंदे चरणे च एक बेनती करनी हूं, देखो जब तक अस सनातन दी अपने कोख विच पैदा नहीं करगे तब तक हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं है। जिस घर विच राम नाम का उपचार नहीं है, गायत्री मंत्र नहीं है, दो टाइम की आरती नहीं है, उस घर विच कुछ नहीं है। एक लक्ष्य अपने मन च लिया चलना है अगर अस सच्चे सनातनी है, बोल देना हिंदू धर्म च पैदा होना साड़ा सौभाग्य है और हिंदू धर्म च मरना साड़ा कर्तव्य है। जो दिन ऐसी दो गल समझी जा गई उस दिन साढ़े हिंदू धर्म की कोहा कोला भी किसी प्रकार की भी कोई भी आदर डर नहीं है। क्यों सानू साड़े साड़े के हिंदुओं की बोला जाता धर्म परिवर्तन करो, क्योंकि सारी बच्चियों की गुमराह किया जाता है, क्योंकि अस लोग कुदे ना कुदे थोड़े बहुत भोले भी हाँ। अस उस राम की भूमि उपर पैदा हो गए हाँ जिथे प्रभु राम ने अपनी किन्नी लीला दसी, प्रभु कृष्ण ने किन्नी लीला दसी और सानू ऐसे ऐसे संतें का मार्गदर्शन मिला था जो सानू निकी निकी गल्ला सानू समझांदे ने डोगरी विच, हिंदी विच, साडे घरे दी एग्जाम्पल ली है, फिर अस क्यों नहीं समझचै। और एदे कन्ने गै बड़े आखना दुख कन्ने मिगी एक गल सुनानी पवा दी है शास्त्री जी होरें दी कि शास्त्री जी लडोर ग्रां पिछले 5-6 महीने का बड़ा ही उदास ही। एक साइड साड़ी सतवाह की तैयारियां चला दी हाँ और दूसरी साइड साड़ियां कुछ फैमिलियां बड़िया मायूस ही, क्योंकि साढ़े गै बड़े निके कोई 7-8 जीव सानू छड़िए चली गए और गए भी इं ऑन द स्पॉट, सानू पता ही नहीं चलिया वो अज कियां चली गए ने। बहुत राज अंकल उन्हें जो अटैक होया उस सच्चे इन्ना शौक ही कि एक दिन पहले अठा सतवाह दियां लकड़ियां इकट्ठियां करा रहे और उस साल रात ही उन्हें भी अटैक होया और सानू छड़िया चली गए। और मिगी पता है जिन्हें भी इतने मेरे बड़े बुजुर्ग इस पूजा च बैठे रहे उनकी आत्मा की शांति तहते जरूर मनोकामना मंगा रहे और सारा भी धर्म है कि अस भी उनके आत्मा की शांति तहें 2 मिनट का मौन भी धारण करके और जिन्नी भी बाहर की संगत आई भी है तुंदे भी चरणे च बेनती है कि मौसम भी खराब हो रहा है तो उसे लंगर भी खाना है। और एरे कन्ने कन्ने सानू शास्त्र जी ने केड़ी बड़ी चीज सिखाई है जा देना ये सानू जरूर सीखनी है। तो ये देखो कि आज इतने किन्ने बच्चे राम राम लिखिया लिखिया ना तो जो लिखा दे होंगे पेंटिंग करा दे होंगे तो किन्नी बार उनका नाम लै दे होंगे। ये निकी निकी चीजा अहें सीखनिया ना, बच्चे भी सिखानिया ना और अपने धर्म की पालना करनी है। मैं इन्ना का तुंदे चाहगी जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी तो कोई नहीं देगा।